आज हम बनाएंगे चना दाल चावल का ढोकला, बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये आधा कप चने की दाल और ये आधा कप चावल, ये कच्चे चावल है जो हम खिचड़ी या खीर में यूज करते हैं। ये दाल चावल अच्छे तरीके से धोकर 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। ये भीगी हुई चना दाल बिल्कुल इस तरह की हो जानी चाहिए और ये भीगे हुए चावल दोनों अलग अलग भिगोए थे, आप एक साथ भी भिगो सकते हैं। मैंने आपको दिखाने की वजह से अलग अलग भिगोए हैं। पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। ये जो दाल और चावल लिए हैं इनका हमने पहले से ही पानी पूरी तरीके से निचोड़ कर हटा दिया है। ये 2 हरी मिर्च 2 टुकड़े करके डाल देते हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हल्दी 2 पिंच, हल्दी थोड़ी सी कम डालें, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच चीनी, इससे ढोकला में थोड़ी मिठास आ जाएगी। ये एक नींबू ले लिया, इसका रस निकाल लेते हैं। एक टेबल स्पून, और ये एक से थोड़ा कम, ये हो गया 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस। और ये आधा कप दही, अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो इसमें 3 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दीजिए, लेकिन दही डालेंगे तो इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी और टेस्ट भी आता है। 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब इन्हें बारीक पीस लीजिए। और ये देखिए इस तरह का बारीक पीस लीजिए और कंसिस्टेंसी भी एकदम सही है। हमने इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है, आधा कप दही था और बाकी सारी चीज़ें, और इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल गई। इसको निकाल लेते हैं एक प्याले में। ढोकला बनाने के लिए कंटेनर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसके नीचे लगा देते हैं हम एक ये बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप बस इसको ग्रीज करके ही इसमें ढोकला का बैटर डाल दीजिए। कंटेनर तैयार हो गया, अब ये बैटर लेते हैं। ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, नाप कर डालें। मेजरिंग स्पून है ये आधा चम्मच, इसका आधा हमने ले लिया है। और अगर आप इनो फ्रूट साल्ट डाल रहे हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। और ये देखिए ये जो बैटर है काफ़ी फूला फूला आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसे डाल देते हैं कंटेनर में। इसे हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि ये बैटर एक जैसा हो जाए। और ढोकला को स्टीम करने के लिए हमने इस बर्तन में पानी पहले ही से गर्म करने के लिए रख दिया था। कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें ढोकला वाला कंटेनर आसानी से आ जाए। और इसमें रख दीजिए एक ये जाली स्टैंड, 2-3 कप पानी डाल दीजिए। पानी में बॉईल आ जाए, स्टीम बनने लगे, तब ये ढोकला वाला कंटेनर इस जाली स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। थोड़ा केयरफुली रखिए क्योंकि भाप बन रही है, आपके हाथ को ना लगे। अब इसे 20 मिनट तक कुक होने दीजिए। पहले तो फ्लेम तेज़ रख लीजिए, लेकिन जब भाप ज़्यादा बनने लगे और ढक्कन उछलने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, इतना कर लीजिए कि ढक्कन आसानी से ढका रहे। 20 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से दिख रहा है ये कुक हो चुका है, लेकिन चाकू इंसर्ट करके देखते हैं। ये देखिए चाकू एकदम क्लियर है, ढोकला कुक हो चुका है। वैसे भी 20 मिनट में ढोकला कुक होकर तैयार हो जाता है। अब इसे निकाल कर चालीस स्टैंड पर रख देते हैं। ढोकला ठंडा हो गया तो अब इसे निकालते हैं बर्तन से। इसको निकालने के लिए पहले तो हम चारों ओर से नाइफ से इसे अलग कर लेते हैं। ये ढोकला, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसके पीसेस बना लेते हैं। और ये देखिए इसका स्पंज, और
कितना अच्छा जालीदार ढोकला बना है, एकदम सॉफ्ट। अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तड़का पैन, इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। गरम ऑयल में डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने और इन्हें चटकने दीजिए। सरसों जब अच्छे से चटक जाती है तभी उसमें बढ़िया टेस्ट आता है। और ये 1 छोटे चम्मच तिल, तिल ऑप्शनल है, इन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 मिर्च ले लिए, 2 टुकड़े करते हुए फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये थोड़े से करी पत्ता। तड़का तैयार हो गया और ये तड़का आप ढोकले के ऊपर, आपके पास अगर ताज़ा हरा नारियल है वो भी आप इसके ऊपर ग्रेट करके डाल सकते हैं। चना दाल चावल का ढोकला बनकर तैयार है। इसके साथ में परोसिए हरे धनिए की चटनी, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप चना दाल चावल को पीस रहे हैं तो उसमें पानी नहीं डालें। अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तभी आप 1-2 चम्मच पानी का यूज़ करें। कंसिस्टेंसी इस तरह की रखें। कुक करते समय ध्यान रखें फ्लेम लो मीडियम हो। अगर ज़्यादा भाप बन रही है, ढक्कन बार बार उछल रहा है, तो आप फ्लेम को और धीमा कर सकते हैं और इसे 20 मिनट तक कुक कर लें। बहुत अच्छा ढोकला बनकर तैयार होगा और इतना ढोकला परिवार के 2-3 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें।